हेलो फ्रेंड्स, तो आज आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक डिवीजन, आपको पता यही चल रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने अपनी पिछली वीडियो में डिवीजन के जो पार्ट वन वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था, हमने इंटीजर पार्ट्स के डिवीजन देखे थे। उसमें भी एक कंडीशन थी कि ऐसे एग्जाम्पल्स देखे थे जिसके रिमाइंडर फाइनली आ रहे थे जीरो, है ना। तो आज की इस वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, उनको समझेंगे, सॉल्व कैसे करें वो चीज समझेंगे। तो बात तो हम क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट्स की ही बात करेंगे, लेकिन उसमें कंडीशंस ये होगी कि जिनके रिमाइंडर जीरो नहीं होंगे, है ना। तो उसके आंसर्स कैसे आएंगे, डेसिमल फॉर्म में आएंगे, है ना। देखो, क्वेश्चंस हम इंटीजर पार्ट्स से लेंगे जिसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उनके आंसर्स जब रिमाइंडर जीरो नहीं होंगे तो उनके आंसर्स जो आने वाले डेसिमल फॉर्म में आएंगे ना। तो टेंशन मत लो, आज हम स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं और उन्हें समझ लेते कि ऐसे क्वेश्चन जिनके रिमाइंडर जीरो ना हो तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे कुछ एग्जांपल्स, है ना, एग्जांपल वन एंड टू। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर से अगर आपको बता दूं तो हम बात कर रहे हैं फिर से भाई इंटीजर पार्ट के डिविजन देख रहे हैं, है ना। ये आ रहे हैं इंटीजर पार्ट के डिविजन देख रहे हैं। उसमें भी कंडीशन क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जिनके रिमाइंडर is not equal to zero, है ना। अब मैं not equal to zero मतलब आगे देखो, एक condition ऐसी है कि जहाँ remainder zero होने वाला है, तो बाकी की बात बाद में बताता हूँ ना। सबसे पहले मैं बताता हूँ solve कैसे करेंगे। तो आओ सबसे पहला example लेते हैं, तो इसको देखते देखो, इसको हम पहले किस form में लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 26 divided by 4। सबसे पहले ये लिखना पता चलना चाहिए कि division का symbol है, 4 को divide करना है तो बाहर, 4 divide हो करेगा और जो divide होगा वो अंदर, है ना। अब आज हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर चेक करना है, 2 2 4 के टेबल में आता है नहीं आता है, है ना, वो उससे छोटा वैल्यू। तो आप दोनों वैल्यू ले लो, 26 27 क्या आता है 4 के टेबल में, 26। तो देखो 26 एग्जैक्टली देखा जाए तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो 26 तो नहीं आता, लेकिन देखो दो कंडीशन है, एक 4 7 जा 28 आ रहा है और एक 4 6 जा 24, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है। हमेशा वो वैल्यू लो जो 26 से कम हो, ज्यादा नहीं कम। तो हम लेंगे ये वाली वैल्यू, तो हमने क्या देखा 4 6 आएगा 24। तो अब इसको क्या करना है, इसको आपको करना है सबट्रैक्ट। तो आप चेक कर लो, 6 में से अगर 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 में से 2 जाएंगे तो 0। अब देखो यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ गई कि अब रिमाइंडर 0 बच नहीं रहा और आगे कोई नंबर भी नहीं जिसको हम नीचे की तरफ लें, तो अब क्या करें। तो हमने वही क्वेश्चन लिए जिसके रिमाइंडर 0 ना हो, है ना, जिसके रिमाइंडर 0 ना हो, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर हम क्या करना है, यहाँ पर आपको लेना है, क्या लेना है, डेसिमल, डेसिमल यानी पॉइंट लेना है। तो अगर आप क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन बोलते, जो आंसर आने वाला है उसको बोलते क्वेश्चन, तो यहाँ पर डेसिमल लोगे तो ऑटोमेटिक आप देखोगे यहाँ पर हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं, ये एक रूल है। अगर आप यहाँ पर एक डेसिमल ले लेते हो तो आप यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हो। अब चेक करो 4 के टेबल में 20 आता है, तो हाँ 4 5 से होता है 20। तो अब इसको भाई क्या करना है, इसको फिर से माइनस करो, तो क्या आएगा 20 में से 20 जाएगा तो बचेगा 0, है ना। तो फाइनली आपका क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया आपका 6.5। तो हमने क्या बात की थी, हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेने वाले जिनका रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर 0 नहीं था, है ना, लेकिन आंसर हम, और हमने ये भी बोला था कि उसका आंसर डेसिमल ले रहे हैं, हम इंटीजर पार्ट्स डिविजन कर रहे हैं इंटीजर पार्ट के, लेकिन आंसर आ रहा है डेसिमल फॉर्म में। अब आप ये कहोगे कि सर 0 तो आ गया रिमाइंडर, है ना, तो आप ये समझ लो कि स्टार्टिंग में यहाँ पर 0 नहीं था, या तो आप ये कह सकते हो जिनका जिनका ऐसा एग्जांपल जिनका रिमाइंडर 0, या फिर आप ये कह सकते हो जो कि क्या कह सकते हो, डिविजिबल नहीं है, है ना, जो कि परफेक्टली डिविजिबल नहीं, परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, नॉट परफेक्टली डिविजिबल। तो हमने कैसे एग्जाम्पल ली, या तो आप बोल सकते हो कि जिसके रिमाइंडर जीरो नहीं है, आपने चेक ही किया जीरो नहीं था यहाँ पर रिमाइंडर, और फिर या फिर वो नंबर परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, है ना, ठीक है। तो अब इसको बोल जाओ, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आप देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 387, और जो डिवाइड कर रहा है वो होगा बाहर, जो डिवाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, डिवाइजर, एंड जो डिवाइड हो रहा है उसको बोलते हैं डिविडेंड, है ना, ये बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आज सॉल्व करना शुरू करते हैं ना। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 3 नंबर, 3 क्या होगा 6 से डिवाइड नहीं, क्योंकि 3 6 से छोटा है, तो कोई बात नहीं। दो नंबर देख लो, 38 के 6 के टेबल में आएगा 38, तो हाँ 6
36 होगा और 6 मतलब 42, दोनों में से कौन सा ले, जो भी 38 से छोटा का नंबर हो और उसके पास वाला, तो 6 लेंगे हम, क्या लेंगे 36। अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम माइनस। तो आप चेक कर लो, 8 में से अगर 6 जाएगा तो बचेगा 2, 3 में से 3 जाएगा तो 0। अब क्या होगा, जो 7 नंबर है वो आ जाएगा नीचे, तो जब 7 नंबर नीचे आ गया तो यहाँ पर होगा वो 7। अब नया नंबर आ गया 27, के 6 के टेबल में 27 आता है ना, 6 के 27 तो नहीं आता, लेकिन हाँ 6 5 से 30 जरूर आता है और 6 4 से 24 आता है, दोनों में से कौन सा ले, तो हमको कैसा नंबर लेना है कि स्मॉलेस्ट और नीरेस्ट नंबर 27 से कम नंबर हो या फिर इक्वल नंबर हो, है ना। तो इक्वल तो नहीं है लेकिन कम 24 है, तो 6 4 से हो जाएगा 24। अब अगेन इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे फिर से माइनस, फिर से करेंगे माइनस। तो अब देखो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 2 में से 2 जाएगा 0। अब देखो, अब यहां पर कंडीशन आ गई कि अब इसके बाद देखो ऐसा कोई और आगे नंबर नहीं जिसको हम नीचे ही ले लें, और यहाँ पर 3 बच रही है यानी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है ना, यानी हम बोल सकते हैं कि जो 6 है ये 387 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, है ना, नॉट परफेक्टली डिविजिबल, है ना। तो अब क्या करना है, अब कंडीशन मैंने आपको बताई कि यहाँ पर लगा दो डेसिमल तो यहाँ ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, ये रूल है, जहां भी डिविजिबल ना हो, परफेक्टली डिविजिबल ना हो तो वहां पर डेसिमल पॉइंट लगा दो क्वेश्चन में, तो आप देखोगे यहाँ पर आप लिख पाओगे 10 आ जाएगा। अब देखो 6 के टेबल में 30 आता है तो हाँ क्यों नहीं आता, 6 5 आ जाता है 30, तो ये क्या हो गया। अब इसको भी क्या करोगे, माइनस कर दोगे, इसको कर दिया माइनस, तो फाइनली आ गया आपका आंसर 0, है ना, तो आपका क्या आंसर आ गया 0। तो देखो लास्ट में तो जरूर रिमाइंडर 0 आ रहा है, लेकिन हमने यहां कंडीशन थी कि यहां पर रिमाइंडर रह जा रहा था, परफेक्टली 0 नहीं आ रहा था, है ना। तो बस वही, तो हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे जिनका रिमाइंडर 0, यानी रिमाइंडर 0 नहीं था, लेकिन देखो लास्ट में तो है, लास्ट में, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं था। और या फिर दूसरा हम ये कह सकते जो कि परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, उन नंबर्स के एग्जांपल हमने लिए, हमने पिछली वीडियो में के इंटीजर पार्ट से देखा था, लेकिन वो परफेक्टली डिविजिबल थे, लेकिन यहाँ पर परफेक्टली डिविजिबल नहीं। तो आज की इस वीडियो में बस हम इतनी ही बातें करेंगे, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन, तो कमेंट करो। तब तक सभी लोग सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को गुड बाय।